जनपद सिद्धार्थ नगर के उसका बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला कृषि अधिकारियों ने कृषि दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यूरिया और डाया खाद का सैंपल भी लिया गया, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भ्रमण के दौरान दो किसान यूरिया लेकर जा रहे थे, जिनसे पूछताछ की गई और रसीद मांगी गई, लेकिन किसान के पास रसीद न मिलने से कृषि दुकानों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। वहीं मुंशी से पूछा गया तो बताया कि यूरिया नहीं है, लेकिन जब जांच चालू की गई तो जांच के दौरान 4 बोरा यूरिया पाई गई, जिसका लेखा जोखा रजिस्टर पर नहीं था। लाइसेंस निरस्त कर 4 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया, अगर नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सिद्धार्थ नगर से सुचित वर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा छापेमारी की गई है, क्या क्या कार्रवाई? आज क्षेत्र भ्रमण के समय दो किसान ऐसे मिले जो इनके बिक्री केंद्र से यूरिया लेकर जा रहे थे, उनको रोक कर देखा गया, पूछा गया, उसके पास कोई रसीद नहीं मिली। उसी का सत्यापन करने के लिए इनके दुकान पर जब पहुंचा, तो इनके मुनीब और द्वारा कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये मालिक के पास है। काफ़ी समय पर इंतज़ार करने के बाद भी न तो स्टॉक रजिस्टर, न तो वितरण रजिस्टर और पॉस मशीन भी नहीं दिखाया गया। मुनीब द्वारा बताया गया कि कोई यूरिया नहीं है, लेकिन जब स्टॉक देखा गया तो स्टॉक में पीछे 4 बोरी भारत ब्रांड की यूरिया भी प्राप्त हुई। इससे ये प्रतीत होता है कि यह बिना पॉस मशीन के यूरिया बिक्री कर रहे थे। अन्य स्टॉक देखने पर हमें कुछ संदेह लगा इनके NPS पर, इसे एक नमूना भी लिया और इनको इनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करके 4 दिन का समय दिया गया है कि आप अपना इस पर स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जो संवैधानिक